फ़कू ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम और मेरी जुबान के गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ इमरान ख़ान प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ आगाज आगा ताला के अजीम और बाबरकत नाम से हो और हमारी हर शाम भी सुबह अजीम की तरह अजमत से इख्ताम पजीर हो आमीन नाजिन ये शाद रबानी है वलौद यस्न ज़िक्र फ़ाहल में मुदकर और तहक़ीक हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे नाजिन कुरान करीम बिलाशुबा किताब रिश्त वदायत है मगर उसके लिए जिससे नसीहत हासिल करना चाहता है आइए सुनते हैं तलाब तलाम पाक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي في فليعبدوا <applause> रबानी है। इन्ना बेशक अल्लाह के करीब ज्यादा इज्ज़त वाला वो है जो ज्यादा मुतकी है नाजिन नफ्स को हर उस चीज़ से दूर रखना जिससे उसे ज़र्र का अंदेशा हो तकवा कहलाता हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्ल्ला तु फरमाते हैं तकवा यह है कि इंसान शेख गुनाहे कबीरा और बेहयाई के कामों से बचे नाजन हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे तकवा परहेजगारी पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवा और हमारे मस्किल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीम फारूकी साहब आप अरसा चार दहाइयों से मुल्क के मुख्त जामियात में दरस व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं आप एक मुस्तंद और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर ज़काउल फारूकी साहब आप अरसा तेरह साल से दरस व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं नाज़िन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब गुफ्तु का आगाज़ करते हैं तकवा परहेज़गारी के लघवी असलाही मनी क्या हैं और इसका दायरे कार का तयन भी करें बिसमिल्लर बहुत शक्रिया इमरान ख़ान साहिब तकवा ये बुनियादी तौर पर अरबी जुबान का लफ्स है और क़ुरानीस में कसरत से इस्तेमाल हुआ है जैसा कि रिशादे बारी ताल है याजीन आमा वक़ू नुमा सदी ए ईमान वालो अल्लाह से डरो यानी तकवा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो याजीन अमाकल्ला हक़ा तो कहते ही ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक वला तमूतुन्ना इल्ला वंतुम मुस्लिमून और हजूर असला सिंह बहुत सारी हदीस भी हैं ये भी आपने फरमाया तकवा हा होना तकवा यहाँ है तो ये अरबी ज़बान का लफ्स है और ये वक़ा वक़ जून से निकला लफ्स ये माना है डरना बचना परहेज़ करना दूर रहना जैसा कि आपने भी बताया कि अपने जाहिर और बातन को हर किस्म के ज़र्र से महफूज़ रखें लेकिन शरीत की असलाह में तकवा ये एक ऐसा जज्बा है एक ऐसा एहसास है एक ऐसी कैफ़ियत है जो इंसान के कल्ब में एक नूर बनकर एक कुव्वत बन के मौजूद होती है जिसरा करीम कलाम पाक में फरमाते हैं कि आफामन शार नूर में रब क्या हम जिसके सीने को खोल देते हैं तो उसके कल्ब में एक ऐसा नूर डालते अदीस में भी है कि इत्ता को फरासतुलमोमिन वाह हुआ जरुब नूर मोमन की कलबी से डरूँ कि वह अल्लाह के नूर की रोशनी में देखता है और ये भी कुरान पाक में है कि नहीं ये नाल होम हा वला दिमाव हा वला की यूनाल तकवा मिन को अल्लाह की बारका में तुम्हारे क़ुरबानी के जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता मगर वो जो तकवा तुम्हारे दिलों में वो पहुँचते तो ये वो कैफियत है कि जज्बा है जो इंसान को अल्लाह की मासीत से नाफरमानी से रोकता है और उसको नेकी और खैर के ऊपर उभारता है उसकी रहनमाई करता है इसके भी तीन दर्जे हैं अगर कोई इंसान गुनाहे कबीरा से भी रुकता है सगीरा से भी रुकता है और अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हैं वाजबात हैं सुनते हैं नवाफल है सब का अहतमाम करता है तो ये कामल दर्ज है और अगर सिर्फ वो कबीरा गुनाहों से रुकता है फ़राज़ वाजबाद का अहतम करता है लेकिन सुनत तो व नवाफल के दर्जे तक नहीं पहुँचता तो वो एक मुतवस दर्ज है और जो सबसे कम है कि इंसान गुनाह कबीरा से भी परहेज ना करे उसमें भी मुबतला हो जाए सगीरा में भी मुबतला हो जाए और वो फरज़ और वाजबात में भी गफलत करे तो ये अदरा तरीन दर्जा है तो अल्लाह को मकसूद ये है कि ऐसा बंदा हो जिसके कल्ब में इस कदर ईमान की कुवत हो हलावत हो कि सरकार ने फरमाया कि हकीकत में कामल मोम और मुत की वो है कि जिसके लिए अल्लाह की नाफरमानी करना गुनाह करना आग में जल जाने से ज़्यादा मुश्किल हो जाए हज़रत उमर ताला त और हज़रत काबीन रज़ी अल्लाह तुम की गुफ्तगू भी तकवे के मफहम को वाजे करती है कि फरमाया कि जब कोई जंगल से गुज़रे जिसमें खारदार झाड़ियाँ हों तो ए उमर आप कैसे गुजरते हैं फरमाया कपड़े लपेट के दामन से मेट के ताकि कोई कांटा कोई झाड़ी उलझ के मेरे कपड़ों को तार तार ना करे तो फरमाया बस यही तकवा ये यह दुनिया एक खारदार जंगल की तरह है यहाँ गुनाह नफ्स मासीत और इंसान के दीगर मफादत उसके किरदार को जाने के दरपे होते हैं तो जो दामन है, है। अपना दामन बचा के अपने ईमान की इस पूँजी को बाफाजत सरात मस्तकीम पर चलता रहता है वो मुतकी है जी नाजरीन अपना दामन बचा के सरात मुस्तकीम पर चलना तकवा कहलाता है कुरानो हदीस में इसके बारे में क्या अहकाम हैं इस पर बात करने के लिए हम अपने दूसरे मेहमान की जानबरते हैं प्रोफेसर ज़ुकाल साहब आपसे हमारा सवाल ये है किरान सन्नत में तकवा परहेजगारी के बारे में क्या अहकाम और अर्शादात मिलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं हूँ इमरान ख़ान साहब के आपने मौका दिया दोबारा इस नश्त में बैठने का कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तकवे को एक बड़ी मुमताज़ हसीयत दी है हम कुरान पाक के आगाज़ ही से देख लेते हैं सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की सूरह बकरा की पहली दो तीन आयात में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं दा लकल किताबुल रई बाफ़ी हृदमुतकी कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है लेकिन इससे फ़ायदा जो उठाने वाले हैं वो मुतकीन होंगे इस पूरी किताब को समझने वाले इसके फैज़ याब होने वाले वो लोग होंगे जो दिल में तकवा रखते हैं जो अल्लाह अल्ला। अल्ला से डरते हैं जो उसके करम के दरख्वास्त गार हैं और जो हमेशा उसके खौफ से लर्जा रहती हैं इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया व तावन अलल बिर्री व तकवा वला तावन वल वउवान व तकुल्ल इला इकाब के अल्लाह ताला ने फरमाया कि किन करो तकवे में और परहेज़गारी के कामों में और गुनाहों से बचो और अल्लाह ताला से डरते रहो क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा सख्त हिसाब करने वाला है ना सिर्फ़ तकवे के बारे में अल्लाह ताला के ये डर वाली आयात हैं बल्कि साथ साथ खुशखबरियों वाली आयात भी है। जिस हैं जिस तरह अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वल्लाहु वलीउल मुत्तकीन अल्लाह ताला तकवे कर वाले को परहेज़गारी करने वालों का वली है ये इससे बड़ी क्या सनद है ये इससे बड़ी क्या दलील है कि हम लोग जिस एक दोस्त में जो है वो अल्लाह ताली की अगर ज़ात मिल जाए तो दुनिया भी कामयाब है आख़रत भी कामयाब हुजूर सल्लल्लाहु हैजूर अक्रम को से पूछा गया और हजरत अबू जर गफ़ारी जो उनसे हैं वो रवायत करते हैं कि कियामत के दिन हुजूर हज़ूर अक्रम सल्हल वसलम से पूछा गया कि जन्नत में जाने के लिए क्यामत वाले दिन कौन से लोगों के काम चीज़ सबसे ज़्यादा आएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों का तकवा और लोगों का हुस्ने इखलाक यानी कि इस तकवे और हुस्ने इखलाक की वजह से लोग जो हैं वो जन्नत में जाएंगे और ये तो सारे लोग जानते इन आम अमाल बिन याद के अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है जिस कदर दिल पाक और साफ होगा जिस कदर दिल के अंदर अल्लाह की खशियत होगी उसी तर क़र उस अमाल में उन अमाल में और उन जो अल्लाह ताला के हुजूर की जाने वाली थोड़ी सी भी चीज़ होगी अल्लाह उसमें भी बढ़कर डाल माशा नाजिन क्या खूबसूरत बात कही कि अल्लाह ताला मतकीन का वली है गुफ्तु का सरसा भी जारी है वक्त तो है एक छोटे से वक़े का मिलते हैं वक्फे का वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब फ़र्द और माशरा किस तरह तकवा की बरकाल से बहरायाब होता है देखिए इस्लामी तलीमत में तकवा जिसके दामन में है उसको मुत्तकी कहते हैं और मतकी उसकी जमे तो मुत्तकी के बारे में दो टोक है कि इन नाक्रामाकल्ला तकवा को तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में इज्ज़त के काबल वो है या इज़्ज़त के लायक वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है अतका है और कुरान मुक़दस में ये लकब हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर सदी के अकबर रज़िल्ल के लिए भी इस्तेमाल हुआ वास जन्नब हत यूती माना हुई अल्लाह उसको हर आग के हर अजाब से महफूज़ रखेगा जिसने तकवे के आला दर्जे पे मराम होकर अपने माल को अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया पेश किया तो सरकार का भी फरमान है कि रसुलमत मखाफतल्ला सबसे बड़ा दानश्वर वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है जिसके सीने में सबसे ज़्यादा खौफ खुदा है और आप एक दुआ भी किया करते थे कि अल्लाह मनी अरबाइन एल्ला मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ मिना ला या नफाओ ऐसे इलम से जो नफा ना दे व मिना कल्बी ला यकश ऐसा कल्ब जिसमें खौफ खुदा ना हो खशियत ना हो उसे आपने पना माँगी व मिन नफ्स ला तशबाओ और ऐसा नफ्स जो मुतमिन ना हो लालच हो तमा हो व मिन्ना दुआ लायुको ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो तो इस अतबार से जिसके पास तकबे की दौलत है देखो सरकार ने फरमाया कि खबरदार इंसान के जिसम में एक गोश्त का लोथड़ा है वो ठीक हो तो सारा जिसम ठीक है वो ख़राब हो जाए तो सारा जिसम ख़राब है अला वाहिब तो वो कल्ब है तो कल्ब की तथहीर सरकार फरमाते हैं जब कोई गुनाह करता है तो एक नुकता लगता है जब वो करता चला जाता है और नुकता बढ़ के कि जब मुस्तकिल गुनाह में मसरूफ हो जाता है तो सारा दिल काला स्याह हो जाता है। अब उस पर ना कोई वाज़ असर करती है ना कोई नसीहत असर करती है ना कोई खौफ खुदा उसके दिल में रहता है और ये भी फाय की तस्ताही फसना ही माशे था कि जब तू हया ना करे ना तुम्हें अल्लाह के हुक्म की हया ना नबी की ना बड़ों की तो फिर तू जो मर्ज़ी कर तो लिहाजा फ़र्त कायम रबत मिलत से है तनहा कुछ नहीं मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं जब एक फ़र्द का कल्ब पाक होता है किरदार पाक होता है एक घर का माहौल पाक होता है फिर एक पूरा माशरा पाक होता है तो जिस मुआरे में तकवे के वफ़ को पैदा करने की दौड़ लग जाए फस ताबिक तो नतीजा ये निकलता है कि इंसान के अंदर खौफे खुदा आ जाता है वो गुनाहों से भी बचता है वो जुल्म से भी बचता है वो मासीत से भी बचता है और वह हर अमरे खैर करने की कोशिश करता है जिससे उसका मालिक और खालक खुश होता है, है। माशा नाजिन रसूल करीम सल्ला वसल्लम ने ख़ुपा विदा में फरमाया तुम्हारा अल्लाह एक है तुम्हारा बाप एक है अरबी को अजमी पर गोरे को काले पर कोई फोकियत नहीं हाँ अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा सबसे इज्ज़त वाला वो है जो मुतकी है हम अपने दूसरे मेहमान की जानब बढ़ते हैं प्रोफेसर जिकाउल फारूकी साहब आपसे हमारा अगला सवाल यह है कि तकवा की अदम मौजूदगी फ़र्द और मुआरों को किस बुरे तरीके से मुतासर करती है देखिए सल्ह वसलम ने आ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता वो तुम्हारे तकवे को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अगर हमने कुछ पेश करना है अगर हमने इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए दिल जो है उसका पाक और साफ होना बड़ा ज़रूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सहाबा के दरमियान बैठे हुए अक्सर फरमाया करते थे अत हा हुना दोबारा आप अपने दिल की तरफ इशारा करते अत हा हुना तो दिल जितना पाक होगा बरकतें उतनी ज़्यादा होंगी और अगर दिल जो है वो गंदा हो जाता है जिस तरह किबला फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि बंदा जो है वो अगर कोई गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याही का कतरा जो है से होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल स्या हो जाता है और जब वो मुकम्मल स्या हो जाता है तो ना फिर उसके ऊपर कोई हदायत की बात उसके ऊपर असर करती है ना उसका कोई मुआरे में रोब रहता है अल्लाह उसके रज़ से बरकतें उठा लेता है उसकी बात में रोब नहीं होता वज़न नहीं होता उसकी गुफ्तु में कोई वजन नहीं होता माशरे में उसकी कोई वटक नहीं होती बज़ाहर दुनियादार होगा बज़ाहर उसका बड़ा काफ़ी असर व रसूख होगा लेकिन दिल से कोई उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा मुतकी की ये शान है वो चाहे कंगला हो वो चाहे उसके जेब में कुछ ना हो लेकिन मुतकी के जो अल्लाह से डरने वाला है उसकी बात से उससे लोगों लोगों के दिल में अल्लाह ताला जो है वो रोब डाल देते हैं उसकी बात में वज़न होता है तासीर होती है तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताली की जो रहमतें हैं जो उसकी खुशमूगी है और अल्लाह की रहमत उस घर से रूठ जाती है उस मुआशरे से यही मसला हमारे मुआशरे में हुआ कि हम अल्लाह ताला के ये जो दिल से अल्लाह ताला का जो खौफ़ है उसको मिटा बैठे तो हमारे मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल लाचारगी का हमारा है ना हमारी कोई बात सुनता है ना हमारे वटक है इस ज़माने में ना हमारे कोई वैल्यू है वो इसी वजह से है क्योंकि हमारे दिल में ना ख़ौफ खुदा है ना उस तरह की अतात रसूल है अल्लाह नाजिन तिबरानी शरीफ की रिवायत है हज़र अक्रम सलील वसम का अर्शाद ग्रामी है कि इबादत की ज़्यादती से इल्म की ज्यादती बेहतर है और बेहतरीन दिन तो तुम्हारा तकवा है गुफ्तु का सिलसिला भी जारी है वक्त तो एक छोटे से वक्फ़े का मिलते हैं वक्फ़े के बाद चाहे दर्द आपका लब चाहे जिक्र आपका आंखें ये चाहती हैं कि दीदार आपका रहे नाजिन वक्फ़े के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं गुफ्तु का सिलसिला भी जारी है मगर वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल सल वसलम का आइए सुनते हैं आज का नात कलाम छ आका हूँ से बोल हुई छोड़ के आप का दाम ने राहत आका हमसे बोल हुई खो दी हमने फकर की दो खो दी हमने फकर की दौलत आका हम से भूल हुई आका जी हम तन के उजले मन के गंदे तन के बन के गंदे बन गए सीमो जर के बंदे बन, बन गए सीमो जर के बंदे फिर का फिर का हो गई वहदत फिर का फिर का, फिर का हो गई वाहदत आका हमसे बोल हुई छोड़ के आप का दाम ने रहमत मत आका हमसे बोल हुई और आकाजी हद से गुजरी है ना नी हद से गुजरी है नादानी हमने आपकी बात ना मानी हमने आपकी बात, ना मानी, हमने आप बात ना मानी भूल गए हम नफाज शरीयत नफाज शरीयत आका हमसे बोल हुई छो के आप का दाम ने आका हमसे बोल हुई और देखो ये हमारी आँख में चोली अपना ही सीना, अपनी ही गोली अपना ही सीना, अपनी ही गोली फिर भी हमने आंख न खोली आका हमसे भूल हुई छोड़ के आपका का दाम आका हमसे बोल हुई और आका जी हम दुनिया के टुक राय हुए हैं दुनिया को ले दो अपना बाबे रहमत को ले दो अपना दाम ने रहमत आका हमसे बोले छो के आप का रहमत आका हमसे से बोल हुई खो दी हमने फकर की दौलत आका हमसे से बोल हुई माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह नाजिन प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब सूफियाना रिवायात में तकवा का वस पैदा करने के लिए कौन से तरीके अख्तियार किए जाते हैं कुरानि मुक़दस में अल्लाह ताला ने जो जिन लोगों का अपनी दोस्ती की खुशखबरी सुनाई अला इन्ना अल्लाजन अल्ला जी न आम अनुकान वाको नाहमलबरा फिल हयात दुनिया में फ़िल तो अल्लाह फरमाते है कि जो मेरे दोस्त हैं उन्हें ना ख़ौफ है ना गम है और उनके दामन में क्या है अल्लाह जी ना आम आनू उनके पास ईमान की दौलत है उनके पास तक़वे की दौलत है तो जिसको वो तक़वे की दौलत मिली है तो गोया कि वो अल्लाह ताला के दोस्तों के फहरिस्त में शामिल है जैसे वो भी आयत इन्होंने भी पढ़ी कि अल्लाह वलीकिन अल्लाह मत्तकी का दोस्त हैं तो तरीक़त और तसवफ़ जो है वो क्योंकि है ही सारा वो बातों को ज़्यादा फोकस करते हैं सिर्फ ज़ाहिर को नहीं ये नहीं कि ज़ाहिर को नज़रअंदाज कर देते हैं नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नमाज में खशियत है रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़ा रखने के साथ उसके दीगर आदाब और शरात जो हैं वो उनको भी फॉलो करते हैं वो झूठ से भी बचते हैं वो धोखा दही से भी बचते हैं हराम खोरी से भी बचते हैं वो ज़क़ात देते हैं लेकिन इख़लास के जज्बे से रियाकारी नहीं दिलाजारी नहीं वो हज तो करते हैं से नास वलिला हजुलबात मनिस्तःबीला लेकिन वो मनास के हज में तकवा ज़ादी तकवा सबसे बेहतरीन ज़ाद रमाया कि वो तकवा है तो इस एतबार से अकबाल का वो शेर भी इस पर पूरा वजात करता है कि हाँ लहजा मोमन की नई आन नई शान किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन क़ारी नज़र आता है हकीक़त में है क़ुरान कहारियो गफारियो कुदूसियो जबारूत ये चार अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान तो सूफिया की मैंने अपने हजरत से पूछा कि ये तरीक़त और तस्वफ़ की जो आप तालीम देते हैं जिक्र करें मुराकबा करें तहजदे पढ़ें माँ बाप की भी खिदमत करें मखलूक से भी प्यार करें अखलाके हसना भी अपनाएं अखलाक सयाह से भी बचें तो इससे हासिल क्या होगा तो आप फमाते हैं इससे नीयत में अखलास पैदा होगा इससे कल्ब पाक होगा अलाबिकाला ततमिनकलूब के ख़बरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को इतमान उस कलब को मिलता है जो पाक हो जो कल्ब सलीम हो योम ला नफा मालू वाला बनू अबाल सलीम फरमाता है क्यामत के दिन तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे तुम्हें नफा नहीं देंगे मगर कल्ब सलीम जो है तो इसके लिए सूफिया के अंदर हजूर की उस हदीस को बहुत फोकस किया जाता है एक तो ये तखला भी कि तखल्ला कब अखलाक ला तुम अल्लाह का अखलाक अपनाओ और दूसरा सरकार ने फरमाया कि अगर कल्ब की को गुदाज करना चाहते हो तकवे से भरना चाहते हो तो छः काम तुम करो पहले नंबर पे फरमाया कम खाना कम बोलना कम सोना और चौथे नंबर पे फरमाया कि तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों पे रोना तशरी तो बड़ी हो सकती है चार लोगों में रोना वो और कैफियत है तन्हाई में बैठ के रोना ये जरा मुश्किल काम है अली पाक का कौल है कि अल्लाह का भली वो नहीं जिसकी जलवत बड़ी ख़ूबसूरत है वो है जिसकी हलवत बड़ी ख़ूबसूरत है जो अल्लाह का दोस्त है वो आमाल से नहीं पहचाना जाता वो मामला से पहचाना जाता रिजाल्ला तजारत वलाब्रियन जिक्र अल्लाह के बंदे वो हैं कि वो तजारत कारोबार दुनिया करते हुए अल्लाह के जिक्र से गाफ़िल नहीं यानी वहाँ नाप तोल की कमी नहीं करते वहाँ जूट की अमेजिश नहीं वहाँ मिलावट नहीं वहाँ मीठे आलू फीके करके बेचने की रवायत नहीं वहाँ दाया दिखा के बाया मारने की जास नहीं तो फरमाया कि तन्हाई में बैठ के अपने गुनाहों पर रोना और पाँचवें नंबर पर फरमाया कुरान मुक़दस को समझ के पढ़ना क्योंकि तो जब इसमें पढ़ेंगे इसको समझेंगे आफा ला या था दब्बा कर कुरान हम अला कलू बिना कफ़ाल तुम कुरान में क्यों गौर नहीं करते क्या तुम्हारे दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं और छठे नंबर पर फरमाया कि अगर तकवा चाहते हो मुत्तकीन संगर तो मुतकीन की संगत व सोबत इख्तियार करो फस आलो अहला ज़िक्री इनकन तुम ला तमो वाकून व मासादकीन जो सचों के साथ रहेगा वो सच्चाई में अमैन इज़ नोन बाई द कंपनी ही कीप्स बुरे लोग यारो जिमें दुकान लोहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बइे चिनगा अन हज़ारा नेक लोकानदी सोबत यारों जीवें दुखा न तारा सौदा पावे मूल ना लगी बुल्ले आन हज़ारा जनाजे अलिया कराम वो लोग हैं जिनकी ज़िंदियाँ तकवा परहेजगारी से भरी हुई होती हैं उनके उनके दर्स उनकी तालीमत और उनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खशियत इलाही की मुँह बोलता सबूत होता है और यही गोहरे नायाब वो अपने मानने वालों की झोलियों में भी भरते रहते हैं गुफ्तु का सिलसिला भी जारी है वक्त तो एक छोटे से वक्फे का मिलते हैं वक्फे के बाद नाजिन वक्फे के बाद आपको को दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिर में हम अपने दोनों मज़ज में माना ने गरामी से एक सवाल करते हैं और हमारा आज का आखिरी सवाल ये है नौजवान नस्ल में तकवा परहेजगारी का वस कैसे पैदा किया जा सकता है जी प्रोफेसर जिकाउल साहब इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला की जो शान हैं जो उसकी एक अंदाज है अपने बंदों को मुखातब करने का इनफ़तार में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं याल इंसान उमागर कब रब्बिकल करीम ए मेरे इंसान तुझे क्या हो गया कि तू अपने करीम रब से मुंह मोड़ बैठा है सबसे पहले तो अल्लाह की वो जो सिफत रहीमी है सिफत करीमी है उसका हमें प्रचार करना पड़ेगा लोगों के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंसान के अंदर सबसे बड़ा जो शतान की तरफ से वार होता है वो होता है उम्मीदी। वो उम्मीद हमें कर बैठा है हमारे नौजवान वो इस बात में पड़े हुए हैं कि हम क्यों गुनाह करते हैं हमें कौन सी कोई बख्शिश मिल जानी है हमें कौन सा कोई आ, क्योंकि हमने इतने गुनाह कर लिए अब तो हमारा कोई ठिकाना कोई नहीं तो सबसे पहले अल्लाह ताला के उस वादे की तरफ हमें लेके आना पड़ेगा उनको उनके दिल में खशियत और अल्लाह ताला का जो खौफ है वो पैदा करने से पहले अल्लाह की सिफत रही जो है वो पहले उनके अंदर इन्फ़्यूज़ करना पड़ेगा कि अल्लाह ताला कितना रहीम है क्योंकि मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैंने ये समझता था कि मैं अल्लाह से बड़ा प्यार करता हूँ बाद में मुझे समझ आया कि अल्लाह के प्यार की वजह से मुझे उससे प्यार करने की तफ़ी मिली है कि अल्लाह ने मुझे पहले मुझे अल्लाह ने मुझसे प्यार किया तो अल्लाह की जिस पे रहमत हो जाती है उसके दिल में उसका खौफ़ भी पैदा हो जाता है और उसकी सबसे बड़ी जो हमारे माशरे में यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अल्लाह से डरना क्या है इबादात केलमा सामने बैठे हुए हैं दस हिस्से हैं और उन दस हिस्सों में नौ हिस्से सिर्फ़ हकूक इबाद वाले मामलत हैं कि जब भी कोई मामला किसी के साथ करने लगें तो ये बात जेहन में रखें कि तीसरा जो फरीक है वो अल्लाह की ज़ात है अगर कोई और गवाह नहीं है तो अल्लाह की ज़ात देख रही है किसी के साथ इंसान जुल्म करने से बच जाता है इंसान जो है वो राह रास्त पे रहता है और किबला डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि तकबे को बरकरार रखने के लिए सबसे अहम जो काम है वो नेक लोगों की संगत है आपकी जो संगत है उससे आप पहचाने जाते हैं अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स इंसान अपने जैसे लोगों के साथ जिस तरह के लोग होंगे उस तरह के उसकी भी शनाख्त बन जाएगी तो पहले तो नेक लोगों की संगत के साथ रहेगा तो ना सिर्फ वो बुराइयों से भी बचा रहेगा बल्कि वो जो अल्लाह ताला के हजूर जो मेार है नेकी के कबूलियत का वो भी इंसान इन्शा, उसको नसीब हो जाए बेशक नेक लोगों की संगत रसूल करीम अलैहि वसल्लम का इशाद गरामी है कि अल्लाह जिससे खुश हो जाता है उसे उसे नेक लोगों के करीब कर देता है और अपने दिन की समझबूझ अता कर देता है हम अपने दूसरे मेहमान की जाने बढ़ते हैं डॉक्टर साहब आप इस ज़िरे में कुछ कहना चाहेंगे देखिए नौजवान ये किसी भी माशरे का एक सबसे कीमती तबका है। जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे निगाह मुसलमान को तलवार कर दे देा तो है ही नौजवानों के शायर हैं कभी यह है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने ने वो क्या गर्दूं था जिसका तू है कि टूटा हुआ तारा तुझे पाला है उस कौम ने अगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने में ताजे सरे धारा तुझे आबाद से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो स्यारा गवादी हमने जो सलाब से मेरास पाई थी सुरैया से ज़मीन पे आसमान हमको दे मारा मगर वो इलम के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा तो नौजवानों के अंदर तकवे का वसफ़ पैदा करना समझे कि हमने आने वाली अपनी नस्ल को सेव करना अमूमन जो है वो तकवा से ज़्यादातर लफ्ज़ ज़रा सख्त हैं वो खौफ और हरास पैदा किया जाता है कि अल्लाह करीम बहुत सख्त गिरफ़्त करने वाला है और बहुत ज़्यादा जो है वो अकब है जब्बार है कहार है भाई वो सिफतें हैं लेकिन वो गफूर भी है वो रहीम भी है, वो तो शराफा व इबादल रहमानलज़ीना यमशूनाद तो अल्लाह ताला की उन सिफतों को भी पश्पिश रखा जाए कि अल्लाह तने बंदे से वो सत्तर माँओं से बढ़ के प्यार करने वाला एक माँ की मोहब्बत का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चे के लिए वो अपनी जान को भी कुर्बान कर देती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो सरापा रहमत है जब शैतान ने कहा था कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को वर्गलाऊँगा और इन्हें जन्म का ईंधन बनाऊँगा मैं इनसे ऐसी ऐसी हरकतें कराऊँगा कि फिर पता चलेगा कि आदम की वजह से मुझे जन्नत से निकाला तो मैंने कैसा इंतकाम लिया तो अल्लाह क़रीम ने फरमाया क्या है लाइन जाते हुए मेरी बात भी एक सुन ले नोट कर ले पल्ले बांध ले तो मेरे बंदे से सारी ज़िंदगी भी अगर गुनाह और मासीत करवाएगा लेकिन मरने से पहले भी अगर वो मेरे बारगाह में आके दो आंसू बहा के सर सजदे में रख देगा अगर मौला नवसर शैतान ने मार डाला मुझे बचा ले तो मैं उसके सारी ज़िंदगी के गुनाह वो सारे माफ़ करके वो सारी ज़मीन से ज़्यादा हूँ जर्रों से ज़्यादा हूँ आसमान के सितारों से, से ज़्यादा हूँ सारी ज़मीन भी उसके गुनाहों से भर चुकी हो मैं सारे माफ़ करके उसको जन्नत में ले जाऊँगा इसीलिए हजूर सल ने फरमाया कि देखो भाई यस्सर वलाद वसरू तो भाई सहूलतें आसानियाँ पैदा किया करो मुश्किलें पैदा ना किया करो बशर वला तो नफिरु खुशखबरियाँ सुनाया करो अल्लाह की ये राहमत भी है हज़ूर की ये राहमत भी है अल्लाह ने बहुत कुछ हमारे लिए रखा हुआ है वात नफ़िर नफ़रतें पैदा ना करो वक़ून व इबादल ख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रह रहो अलखल को अयाल्ला ये सारी मखलूक अल्लाह के अयाल की तरह है हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के अल्लाह फरमाता है कि मुझे उस बंदे पर ज़्यादा प्यार आता है जो मेरी मखलूक से प्यार करता है खैर उन्नासम उन्नास में सबसे बेहतर लोगों में वो है जो अल्लाह के मखलूक को ज़्यादा नफ़ा देता है ज़्यादा फ़ायदा देता है अब ये तालीम फिर हमें कहना पड़ेगा नौजवानों को कहाँ से मिल सकती है नेक सोबर से नेक मजलस से क्योंकि कंपनी वो सोसाइटी मोड्स ए मैन जैसे इंसान का माहौल होता है वो उसके सांचे में बततीज ढल जाता है तो उनको नेक सोहबत दी जाए माँ बाप अपने बच्चों को बच्चियों को पास बैठाएँ उनको मोहब्बत और प्यार से उनके गमों का दुखों का टेंशनों का मदावा करने की कोशिश करें अल्लाह से भी दुआ करें उसा भी बच्चों से प्यार करें उलामा मुशाइफ जो है वो भी अल्लाह की रहमतों के जो रास्ते हैं वो उनको दिखाएँ और मीडिया वाले जो हैं वो भी दीन इस्लाम की जो अबदी तलीमत है अल्लाह ताला की रहमतों के जो चर्चे हैं फिर हुक्मरान तबका जो है वो भी अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करें मखलूक की खिदमत भलाई के लिए अपने कुदरतों को इख्तियारत को इस्तेमाल करें तो फिर शब अजा होगी आखिर जलवा ख़ुर्शीद से और ये चमन माम होगा नगम तोहीद से आसमां होगा शहर के नूर से आयना पोश और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सजूद फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी जिनाजिंग अल्लाह से डरने और तकवा इख्तियार करने का हक तो यह है कि इंसान तदम मर्ग अपना सर सजदा से ना उठाए मगर शायद इंसान के बस में यह हक़ अदा करना नहीं था तो अल्लाह ताली ने फरमाया कि तुम अल्लाह से उतना तकवा तो अख्तियार करो जितना तुम कर सकते हो अल्लाह ताली से दुआ है कि वह हमें और हमारी औलादों को तकवा की दौलत से माला माल करें सामीन प्रोग्राम से मुतल अपनी कीमती आराज हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा आप अपने सवालत के जरिए हमारे मज़ज़ मेहमान ने गरामी से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं हमारा ई मेल एड्रेस स्क्रीन पर नुमाया हो रहा है आप महजूज़ हूँ आज के मंतख शुदा कलाम से और हमें दीजिए इजाज़त इन शाला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़ आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो पत्थरो आज, पत्थर आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने तुमको भी कभी मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा जब से तूने तो मुझे दीवाना बना रखा है जब, जब से तूने तो मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स में, संग हर शख्स में हाथों में उठा रखा है जब से तूने तो मुझे दीवाना बना रखा उसके दिल पर भी कड़े इश्क में गुजरी होगी उसके दिल पर भी कड़े इश्क में गुजरी होगी नाम जिसने भी नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है जब से तूने मुझे देवाना बना संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है पीजा की तलखी को भी हंस करना सर पीजा अम पीजा अम की तलखी को भी हंस करना सर गम को सहने में भी गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है जब से तूने मुझे दीवान बना रखा है संग हर शख्स ने संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवान बना, 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 बना रखा है मुझे दीवान बना रखा है मुझे दीवान बना